ई श्रम कार्ड के जितने भी आवेदक हैं सबके मोबाइल पर इस तरह का मैसेज आया हुआ है। इस पर लिखा हुआ है ई श्रम पर अपना वर्तमान पता अपडेट करें, CSC या ishram.gov.in पर जाएं। तो इसका समाधान क्या है, इसका मतलब क्या है? तो यदि आवेदन करते समय, ई श्रम पोर्टल पर आवेदन करते समय यदि कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर रह रहा था, उसका एड्रेस कोई और था, दूसरे जगह पर काम कर रहा था और प्रेजेंट टाइम में वो किसी अनदर जगह पर काम कर रहा है, तो उसे अपना प्रेजेंट वाला एड्रेस अब उसमें अपडेट करवाना होगा ई श्रम कार्ड के पोर्टल पे। तो यदि आप पहले से उसी एड्रेस पर आ रहे हैं जिस एड्रेस पर आवेदन करते समय थे, तो आपको कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद ही उस पोर्टल पर जा करके अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र में जा करके आपको टाइप करना है, ई श्रम लिख करके सर्च कर देंगे तो सबसे पहले ऊपर ये उसका वेबसाइट आया हुआ है ishram.gov.in, इस पर क्लिक कर देंगे। ओपन हो रहा है तो इसे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर जाएंगे। इसको भी डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। यहाँ पर UN नंबर मांग रहा है, तो आपका जो ई श्रम कार्ड बना है उस पर 12 अंक का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, उसको यहाँ पर डाल करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो ई श्रम कार्ड बनवाते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस OTP जाएगा, उसको डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल ओपन हो जाएगा और वहाँ से जा करके आप अपना एड्रेस चेंज कर लेंगे। वहाँ से आप नया वाला ई श्रम कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर नया वाला एड्रेस लिखा रहेगा और उसको आप चाहें तो निकलवा भी सकते हैं। तो इस तरह आप अपना नया वाला एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।